हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल आज हम कक्षा चार और पाँच की गणित की जो कार्य पुस्तिका है उसमें आधार रेखा मूल्यांकन दो करेंगे पेज नंबर सेकंड पर आकृति एवं स्थान की समझ पहला सवाल है चित्रों को देखकर खिसकने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए खिसकने वाली तो खिसकने वाली यह इस पर सही लगा देंगे दूसरा इसमें पासे में कितने किनारे होते हैं तो देखो पासे में एक दो तीन चार और चार उधर आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह किनारे होते हैं पासे में अगला है तीसरा दिए गए चित्रों में से वर्ग पर सही का निशान लगाइए तो वर्ग पर लगाना है तो ये वर्ग है इस पर लगा देंगे दूसरा सवाल है दिए गए चित्र में जो बच्चा ऊपर है उस पर सही का निशान तो ये ऊपर है तो इस पर सही का निशान और जो नीचे है उस पर गोला लगाना है दूसरा है मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है तो सरिता के ठीक सामने कौन बैठा है तो देखो मंगला के ठीक सामने कमला तो सरिता के ठीक सामने चंपा अगला है आकृति बेलन के बाई ओर के किनारे की छाप बनेगी ये बाई ओर का किनारा है इसकी वर्ताकार बनेगी छाप ऐसी तीसरा सवाल है दिए गए चित्र को देखिए और तिकोने चौकोर तथा वर्ताकार आकृतियों में रंग भरिए और बताइए अब देखो इनमें रंग भरना है तो सबसे पहले तिकोने तिकोने यानी त्रिभुज एक तो ये है त्रिभुज एक ये है और एक ये है और एक ही है त्रिभुज तो कितने हो गए चार हो गए आगे है चौकोर चौकोर यानी ये आय आए, आयताकार आयताकार एक ही है बस और वृत्ताकार यानी गोल तो एक तो ये है और एक ये दो और एक ये पूरा है वर्ताकार अब देखो इसमें है कितने तिकोने हैं तो तिकोने कितने हैं एक दो तीन और चार वर्ताकार कितने हैं तो एक दो और एक ये पूरा बड़ा तीन वर्ताकार है अगला है तीसरा इसी में त्रिभुज और वर्ताकार आकृतियों में कितना अंतर है तो त्रिभुज चार है और वर्ताकार तीन है तो चार माइनस तीन बराबर एक एक का अंतर है अगला सवाल है संख्या ज्ञान की समझ चौथा है गिनकर मिलाइए तो ग्यारह ग्यारह कहाँ है? देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तो इसे मिला देंगे पाँच तो पाँच देखो एक दो तीन चार पाँच दो सौ चार हैं यानी सौ सौ के तो दो बंडल हो गए तो दो सौ और चार ये दो सौ चार पांच का गिनकर संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखिए देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो अंकों में लिखेंगे यहाँ बारह और शब्दों में बारह अगला है एक दो तीन चार पाँच छ सात ये है सौ सौ दो सौ तीन सौ चार सौ चार सौ दस दस के तीन है चार सौ तीस फिर इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस तो चार सौ पैंतीस तो यहाँ लिखेंगे चार सौ पैंतीस अगला है चठवा छोटी संख्याएं लिखिए तो पंद्रह ये सत्रह है तो यहाँ आएगा सोलह सत्रह के आगे अठारह उन्नीस और बीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास और इक्यावन आ गया तीन सौ पैंतालीस तीन सौ छियालीस तीन सौ सैंतालीस तीन सौ अड़तालीस तीन सौ उनचास और तीन सौ पचास मिलान कीजिए दस तो दस ये यहाँ लिखा है इससे कर दिया नब्बे ये और सात सौ छियालीस ये अगला है आठ का सवाल है निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखिए तो देखो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है इसमें सबसे छोटी संख्या पंद्रह बारह और अठारह तो सबसे छोटी संख्या बारह और सबसे बड़ी संख्या है अठारह अगला छियालीस तिहासी छिहत्तर और सत्तावन तो सबसे छोटी संख्या है छियालीस और सबसे बड़ी संख्या है तिरासी एट्टी थ्री इसमें चार सौ पचास तीन सौ पैंतालीस पाँच सौ तेयलिस और चार सौ पैंतीस तो सबसे छोटी संख्या है तीन सौ पैंतालीस और सबसे बड़ी संख्या है पाँच सौ तिलिस आगे है संक्रियाओं की समझ नौका गिनकर खाली स्थान भरिए तो देखो एक दो तीन जोड़ रहे हैं तो तीन चार पाँच छः सात तीन और चार क्या हो गए सात अगला है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह तो ये हैं और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ ही हैं ग्यारह और आठ हो गए उन्नीस इनको गिन लेते हैं देखो एक सात एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस अगला है पचास का नोट ये पचास ये तो पचास और पचास सौ सौ और बीस एक सौ बीस अगला है दस का सवाल हल कीजिए तो इनको क्या करना है जोड़ करना आठ और एक नौ दो और एक तीन छः और चार दस की शून्य आसिल की एक पाँच और सात बारह और एक तेरह छः और नौ पंद्रह का पाँच आसिल की एक पाँच और चार नौ और एक दस की शून्य आसिल की एक छः और तीन नौ और एक आसिल की दस ग्यारह का सवाल है हल कीजिए घटाना है नौ में से पाँच नौ में से चार घटाएंगे तो पाँच आठ में से दो घटाएंगे छः यहाँ आठ में से नौ नहीं जा रहा तो एक उधार ले लेंगे ये हो गया अट्ठारह और ये रह गया दो तो अठारह में से नौ जाएंगे नौ दो में से दो घटाएंगे शून्य चार में से तीन घटाया एक शून्य में से दो नहीं जा रहा तो एक उधार ले लेंगे ये हो गया दस और ये रह गया चार तो दस में से दो घटाएंगे आठ चार में से एक घटाएंगे तीन अगला है बारह का मिलान है कीजिए चार को तीन बार जोड़ रखा है यानी तीन गुणा चार और यहाँ एक दो तीन चार पाँच तीन को पाँच बार लिख रखा तो पाँच गुणा तीन दूसरा है दस लड्डुओं से पांच पांच लड्डुओं के समूह बनाए जा सकते हैं तो पांच पांच के दो समूह बनेंगे नीचे दिए गए चित्र के एक चौथाई हिस्से में रंग भरिए एक चौथाई यानी चार हिस्से हैं जिनमें से एक में रंग बनना है ये हो गया अगला है तेरह में पहला कक्षा दो में छियालीस लड़के और अड़तीस लड़कियां हैं तो बताइए कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे कुल बच्चे बराबर छियालीस लड़के और अड़तीस लड़कियां इनको जोड़ देंगे छ और आठ चौदह का चार हासिल की एक चार और तीन सात और एक हासिल की आठ चौरासी बच्चे हैं दूसरा है श्याम श्याम के पास अट्ठारह चॉकलेट है उसने बारह चॉकलेट अपने मित्रों को दे दी तो बताओ श्याम के पास अब कितनी चॉकलेट बची तो अठारह में से बारह घटा देंगे और अठारह में से बारह घटाएंगे तो छः चॉकलेट बचेंगे तीसरा है एक किताब में चौसठ पन्ने हैं ऐसी ही आठ किताबों में कितने पन्ने होंगे तो चौंसठ को आठ से गुणा कर देंगे आठ चौक बत्तीस का दो असिल की तीन आठ को छः से गुणा करेंगे अड़तालीस और तीन हासिल की इक्यावन तो पाँच सौ बारह पन्ने हो गए अगला है चौदह का मापन की समझ तो दी गई वस्तुओं को किस किस अमानक इकाई से मापा जा सकता है यहाँ वस्तु दी है यहाँ अमानक इकाई लिखनी है इनमें से देख के पेंसिल है तो पेंसिल को किस किस से नाप सकते हैं देखो एक तो अंगुल से नाप सकते हैं और दूसरा बालिश से नाप सकते हैं दूसरा है श्यामपट को तो श्याम्पट को एक तो बालिश्त से नाप सकते हैं और हाथ से नाप सकते हैं बालिश्त और हाथ से अगला कक्षा कक्ष का दरवाजा है इसे एक तो हाथ से नाप सकते हैं और बालिश से बालिश्त और हाथ से नाप सकते हैं कक्षा कक्ष के दरवाजे को अगला सवाल है पंद्रह का रिक्त स्थानों में सप्ताह के छुटे हुए दिनों के नाम लिखिए तो सोमवार सोमवार के बाद में आता है मंगलवार फिर आता है बुधवार फिर गुरुवार फिर शुक्रवार शनिवार और रविवार अगला है अगर आज शनिवार है तो परसों कौन सा दिन होगा तो आज शनिवार है कल रविवार होगा और परसों सोमवार एक सौ बीस मिनट बराबर घंटे तो साठ मिनट का एक घंटा होता है तो एक सौ बीस मिनट के दो घंटे हो गए अगला है सोलह का किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी भरा जा सकता है तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा पानी आएगा दूसरा है किस बर्तन में जग से कम पानी भरा जाएगा तो जग से कम मग में तीसरा है एक लीटर बराबर मिलीलीटर है तो एक लीटर में एक हज़ार मिलीलीटर होते हैं सत्रह का इनका प्रयोग करके लिखिए देखो पचास का नोट है ये बीस का ये दस का फिर ये पाँच का सिक्का दो का और ये एक का अब बारह का नोट है तो एक तो दस का नोट ले लेंगे ले और एक दो का सिक्का तो बारह हो जाएंगे आगे है इकहत्तर का नोट तो एक तो पचास का नोट ले लेंगे ले ले, एक बीस का ले लेंगे ले, पचास और बीस सत्तर और एक का सिक्का ले लेंगे अगला एक सौ बयालीस तो एक सौ बयालीस के लिए एक पचास का नोट एक पचास का और ले लेंगे सौ सौ और फिर बीस का नोट एक सौ बीस फिर बीस का नोट एक सौ चालीस और फिर दो का सिक्का तो ये हो जाएंगे एक सौ बयालीस अगला है आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ निम्न पैटर्न को पूरा कीजिए ये देखो दो स्टार हैं फिर दो त्रिभुज फिर दो स्टार फिर दो त्रिभुज आ जाएंगे अगला है बाईस चौबीस छब्बीस यानी दो दो का अंतराल है तो छब्बीस के बाद में अट्ठाईस और तीस आगे है चौदह चौदह दूनी अट्ठाईस चौदह तिहयालीस चौदह चौबीस छप्पन और चौदह पंजो सत्तर आगे है यहाँ दो और चार छ और छः और आठ चौदह तो यहाँ चार और छ दस अब छ और दस सोलह दस और चौदह चौबीस और चौबीस और सोलह चालीस यहाँ है पाँच और तीन आठ सोलह में नौ में सात जोड़ेंगे तो सोलह तीन और सात दस आठ और दस अठारह दस और सोलह छब्बीस और छब्बीस और अठारह चौवालीस आगे है बीस का सवाल है दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार निम्ना है ये संख्या दे रखी है पशुओं की यहाँ इसमें सारणी में हमें लिखना है देखो दो पशु कौन कितने परिवारों में है एक दो तीन और चार परिवार है परिवार की संख्या यहाँ लिखेंगे चार और यहाँ टेली मार्क करेंगे अगला है तीन तो तीन देखो एक दो तीन तीन परिवार हैं। अगला है चार तो चार का एक दो तीन पाँच का एक दो तीन छ का एक और दो परिवार है ये सारणी हो गई अब यहाँ इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए ये तो कर दिया हमने दूसरा दो पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है तो दो पशु वाले परिवार हैं चार आगे है पाँच से कम पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है तो पांच से कम देखो चार वाले तीन वाले और दो वाले तो चार वाले तीन तीन छः और चार दस परिवार हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद